Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing well. I'm very good, alhamdulillah. Okay guys, as you can see, मैं सारी ready, set, तैयार होके जा रही हूँ अपनी best friend की birthday पे. आज बहुत ही special दिन है और ये उसकी last bachelor party है, तो let's go. Okay guys, so finally I'm here at Ramsha's 24th birthday party. Yes, यहाँ पे party हो रही है और ये केक बना है स्वीट स्पून बेकर्स की तरफ से, और जो कि है आपका अपना स्वीट स्पून बेकर्स. आप ज़रूर लाइक करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को और मेरे फेसबुक पेज को. ओके, देखें जी डिकोर कितना खूबसूरत हुआ है. आई लव्ड इट. द बलून्स वाला जो प्रॉपर थीम दी हुई है, गोल्डन एंड पर्पल लुक आ रहा है. केक भी पर्पल एंड बेज में है क्योंकि रमशा का ड्रेस इस कलर में था, तो पूरी थीम जो है वो अकॉर्डिंग टू रमशा ड्रेस के रखी गई है. तो आगे देख. ओके, हे यू गो रमशा विद हर मदर एंड सिस्टर, और बहुत ही हैप्पी फेसेस थे. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे थे यहाँ पे ये लोग. Birthday to you. ओके जी, तो यहाँ पे केक खिलाया जा रहा है और साथ साथ हमारा हमारी जो फोटोग्राफर है बिया जी, वो भी पिक्चर्स बना रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइव वीडियो भी चल रही है जो कि रमशा की कज़न को दिखाया जा रहा है लाइव बर्थडे पार्टी. और केक वाज टू यम्मी, देखा तारीफें हो रही हैं. गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज ऑन इंस्टाग्राम. And here we have our beauty queen Zunaira, जो कि केक खा रही है और केक की तारीफ कर रही है. यार उधर खिला दोगे तुम? तुम खाओ खाओ, मैं खुद खा लेती. ओके गाइस, तो खाना यहाँ पे हो गया सर. फूड वॉज टू गुड, बहुत यम्मी था सारा कुछ. और ये एक स्पेशल पेज था जिन्होंने ये सारा फूड बना के भेजा था, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनका लिंक भी मैंशन कर दूँ. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर रमशा बर्थडे. मैं ज़्यादा देर वहाँ पे स्टे नहीं कर सकी और जिसकी वजह से मैंने व्लॉग जो है वो बहुत कम बनाया, तो अभी मैं वापस घर आ रही हूँ. घर जाके मैं आपको दिखा रही हूँ अ होल वीडियो. थे अभी रिसेंटली, क्योंकि एज एवरीबडी नोज ड्यू टू कोरोना कोई प्रॉपर शॉपिंग के लिए तो मैं ऐसे जा नहीं सकी, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने खुद जाके बाई की. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रिसेंटली मैंने क्या कुछ बाय किया. ओके, जो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं आपको दिखाने लगी है वो है जो ये टॉप जो मैंने पहना है. आपने अभी रिसेंटली ये देखा होगा मेरी पहली वीडियो में कि ये मैंने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे पहना था, एंड दैट्स हाउ इट लुक लाइक. बहुत ही मज़े की समरी काइंड ऑफ टी शर्ट है ये. इसके ऊपर ये इस तरह एक प्यारी सी लड़की बनी हुई है और इसके ऊपर ये पर्ल्स लगे हुए थोड़े से, और इस तरह. ओके गाइस, सो नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना शो यू इज दिस. ये मैंने पार्सल ऑर्डर किया था विगैस पैके से, जो कि है मेकअप ब्रांड, नॉट अ ब्रांड बट अ रिटेलर, मेकअप रिटेलर. उनके पास सारा मेकअप होता है, ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर करें तो आपके घर डिलीवर कर देते हैं. तो मैंने भी क्योंकि 23 मार्च की सेल लगी हुई थी, तो मैंने भी वहाँ से दो चीज़ें मंगवाई, और जो के हैं दो फाउंडेशंस
एक तो मेरी फेवरेट सुपर स्टे एंड द अदर वन इज दिस फिट मी. ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट है और ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, स्पेशली समर के लिए ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है सुपर स्टे. और ये बहुत लाइट कवरेज है बट ये भी बहुत अच्छी है. तो ये दोनों मैंने ऑर्डर की थी और ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिली थी. एंड दिस वन आई थिंक 1550 और 1650 कुछ इस तरह की थी बट वेरी रीजनेबल प्राइस. तो मैं डेफिनेटली उनका जो लिंक है वो मैं अपने कैप्शन नीचे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उनकी जो है वो वेबसाइट चेक कर सकते हैं अगर आपने कुछ ऑर्डर करना हो तो. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम एक और पॉपसिकल के लिए जो कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था. ये मेरा फेवरेट पार्सल है सारी चीज़ों में क्योंकि आई लव क्यूट लिटल थिंग्स जो कि प्यारी सी हों और लगी भी अच्छी लगे. तो ये कुछ ऐसा ही पार्सल है. तो इसमें जी हमने ऑर्डर किए हैं चंचलाचा, ये देखिए हेयर बैंड्स. यस, ये हेयर बैंड्स मैंने ऑर्डर किए थे और मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ. मैंने 3 हेयर बैंड्स ऑर्डर किए थे. ये बहुत फैंसी क्लासी टाइप के हेयर बैंड्स हैं, मैं आपको 1 by 1 करके दिखाती हूँ. ओके जी, मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया और लाहौर में इस टाइम बहुत शदीद गर्मी हो रही है और मैं ऐसे फ़ैन के बगैर बैठी हूँ और मुझे पसीना आ रहा है तो मुझे जल्दी जल्दी अपनी वीडियो बनानी होगी. ओके, तो फर्स्ट वन इज दिस, ये देखें जी कितना प्यारा है ये. ओ माय गॉड, आई लव दिस वन. और ये है जी एसेसराइज का. एसेसराइज आपको पता है कितना एक्सपेंसिव ब्रांड है बट ये ऑनलाइन मैंने एक पेज पे देखे थे और वहाँ पे आई थिंक 400 to 500 में ईच था जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस थी तो मैंने फ़ौरन ले लिए. और ये देखिए लगे हुए कितने प्यारे लगते हैं. तो ये तो मेरा फेवरेट है ये वाला और ये मैंने एक दफ़ा लगा भी लिया. ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये वाला और इसके ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है इस तरह करके. ये देखिए डायमंड्स लगे हुए हैं, पर्ल्स लगे हुए हैं, कितनी प्यारी इसके ऊपर डिटेलिंग हुई हुई है. और ये इनका इसका जो ये बैंड है वो बहुत अच्छा है और आप ये देख सकते हैं कि ये कितने. ओके, ये देखें जी इसके ऊपर ये मॉनसून का टैग लगा हुआ है और इस तरह का है ये. बहुत प्यारा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बड़े फैंसी से है. और जो उसके बाद नेक्स्ट वाला ये तो आई थिंक सबका फेवरेट होगा, जो जो ये देख रहा होगा वीडियो सबका ये वाला हेयर बैंड तो फेवरेट होगा. ये ईयर्स वाला है, कितने प्यारे ग्लिटरी ईयर्स बने हुए हैं इसके ऊपर इस तरह करके. और मेकअप वीडियोस के लिए तो परफेक्ट है. तो चले जी ये उतार के मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ. इसके ऊपर है टैग लगा हुआ है, ये देखें इस तरह का लग रहा है ना, कूल. ओके जी, तो मैं इन तीनों के जो है ना वो लिंक मेंशन कर दूंगी कि मैंने ये कहाँ से बाय किए हैं. इफ़ यू वांट टू ऑर्डर तो आप उनकी पेज पे जाके देख सकते हैं और उनको ऑर्डर कर सकते हैं. तो चलें जी अब नेक्स्ट. ओके गाइस, तो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अगले चीज़ पे जो कि मैं लेके आई हूँ और ये मैं खुद जाके लेके आई हूँ और मैं काफ़ी सारी लेके आई थी. तो बाय द वे से मैंने शॉपिंग की थी और बाय द वे मेरा फेवरेट ब्रांड है कपड़ों के लिहाज से, एक्सेसरीज के लिहाज से, शूज़ के लिहाज से. उनके पास सारा कुछ जो होता है ना मुझे बहुत पसंद आता है. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पहली चीज़ मैंने वहाँ से क्या ली. मैंने लिया जी ये वाला बैग, ये देखिए कितना प्यारा कलर है. तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको. दैट्स हाउ द बैग लुक लाइक, इस तरह है ये. काफ़ी ह्यूज है, मतलब काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है बट काफ़ी बड़ा है. और इसके ऊपर ये जो है वो स्ट्रैप दिया हुआ है, पर्ल्स का स्ट्रैप, इसका चेन टाइप है इस तरह पकड़ने के लिए. और इस तरह ये ओपन होता है और इसके अंदर इस तरह कंपार्टमेंट्स हैं एज यू कैन. ओके, तो इसके अंदर टू कंपार्टमेंट्स हैं, वन इज़ दिस वन एंड द अदर वन इज़ दिस वन. और इसके साथ अंदर एक जिपर भी है, जिप वाला कंपार्टमेंट भी है. और इसके अंदर जो है वो कुछ नहीं है, बस इस तरह से है ये. और इधर एक बटन दिया हुआ है जिससे ये बंद हो जाएगा और इस तरह का ये लगता है. ओ माय गॉड, आई लव दिस, दिस इज सो प्रिटी. ओ माय गॉड. अच्छा, मैं बाय द वे इन सब की जो प्राइसेस हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि ये कितने का था बैग. तो आपको अगर देखनी हो तो आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं. वो आपको अगर देखनी हो तो आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं. नेक्स्ट, मैंने इसी बैग के साथ मैचिंग शूज़ भी लिए हैं, ये देखें सेम शूज़ मैच हो गया ना मेरे बैग के साथ.
जी हाँ जी, मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं आउटफिटर से, और इस तरह से ये शूज़ लग रहे हैं, इस तरह के हैं ये। और ये आउटफिटर पे सेल लगी हुई थी और मैंने उससे सेल से लिया, और बड़े ही कंफर्टेबल हैं, इनका जो सोल है बहुत कंफर्टेबल है। और ये है इस तरह का शूज़ है, ये डिटेलिंग आप देख सकते हैं। और ये देखें कितनी मैचिंग हो रही है मेरे बैग के साथ। और मेरे पास एक्चुअली इस तरह का एक येलो ड्रेस मैंने अभी रिसेंटली समर के लिए बनवाया है, तो मैंने उसके साथ मैचिंग शू एंड बैग दोनों लिए हैं। तो आई लव दिस शूज़, दे आर सो क्यूट, वेरी कंफर्टेबल। और दूसरा सेल पे भी थे, और इसकी भी प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस बैग। ये एक क्लच है जो कि मैंने बाय द वे से लिया है, और ये क्लच इस तरह से लग रहा है। देखिए कितना प्यारा क्लच है ये, ओह माय गॉड, आई लव दिस, लुक एट द डिटेलिंग। इसका टेक्सचर कितने मज़े का है। मेरे पास क्लचेस काफ़ी कम हो रहे थे, और इवेंट्स और शादियाँ काफ़ी आनी थी, तो मुझे ये बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने ये फ़ौरन ही ले लिया। और इसके अंदर इस तरह से है, बड़ा ही क्यूट सा ये क्लच। और इसके अंदर एक चेन भी है लॉन्ग, अगर आपने इसको पहनना है शोल्डर्स पे तो आप इसको पहन सकते हैं। तो ये जी एक क्लच है। इसके बाद हमारे पास एक और बैग लिया मैंने, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि है इसके अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के। ओके, ये मुझे बहुत डिसेंट लग रहा था वहाँ पे, जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे तो बिल्कुल चाहिए ये, क्योंकि समर के मोस्टली आउटफिट जो होते हैं वो बड़े लाइट कलर्स के होते हैं, और बड़े उनके साथ सिंपल से बैग्स अच्छे लगते हैं। तो ये वाला बैग मुझे उस लिहाज से बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ ये चेन थी, चेन भी बड़ी बारीक सी थी जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इनवेलप की तरह मुझे एक ये बैग लगा, लाइक जिस तरह इनवेलप होता है, इसको ऐसे खोलें और इसके अंदर सिर्फ एक कंपार्टमेंट है इस तरह बस, और दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा बैग है, और पीछे से ये कुछ इस तरह से लग रहा है, तो बड़ा ही क्यूट लगा मुझे ये बैग, तो इसलिए इसको मैंने फ़ौरन बाय कर लिया। तो ये भी, इसकी भी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। अब मैं इसको बंद कर दूँ, एक मिनट, बंद हो गया फाइन से। और इस पर मैंने दो चीज़ें मैंने बाय की। फर्स्ट मैंने बाय किया, ओके, सो द फर्स्ट थिंग डैट आई गॉट इज़ दिस फ्रॉक, एंड दैट्स हाउ द फ्रॉक लुक लाइक। इस तरह से इसका गला बना हुआ है, प्रिंटेड फ्रॉक है बेसिकली ये, इसकी बॉडी बनी हुई है, और इस तरह इसके ये देखें बैंड बना हुआ गले पे, और ये इसका प्रिंट है, और ये हिस्सा इसके बाजू पे प्रिंट है, वाइट एंड पिंक, बहुत ही ब्राइट कलर है, समर में बहुत प्यारा लगा पहन के। और यहाँ तक इसकी बॉडी है, और इसके बाद ये नीचे फिर प्रिंट आ जाता है, और पूरे फ्रॉक पे इसी तरह से प्रिंट दिया हुआ है एज यू कैन सी। और उसके अंदर कलियाँ बनी हुई हैं, ये देखें नज़र आ रही होंगी आपको, कलियाँ बनी हुई हैं, और इस तरह से ये फ्रॉक लग नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं इसकी कोई पूरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे पोस्ट कर बनी हुई है, और इस तरह से ये फ्रॉक लग नज़र आ रहा है। मैं इसकी कोई पूरी पिक्चर जो है ना वो यहाँ पे पोस्ट कर। ओके, सो ये मुझे आई थिंक 30% ऑफ कि 50% ऑफ पे मिला था, और ये एक्चुअल प्राइस इसकी थी 3100, और ये मुझे आई थिंक 1900 का मिला था दिस फ्रॉक ओनली। और उसके अलावा नेक्स्ट वी हैव, आई बॉट अ 3-पीस सूट फ्रॉम जे डॉट। और सबसे पहले तो इसका फ्रॉक जो है, बेसिकली जो शर्ट है वो इस तरह से थी। गाइज लुक एट द कलर, ओ माई गॉड, आई लव द प्रिंट, आई लव द कलर, समर के लिए तो बहुत ही प्यारा कलर है। और इसके ऊपर बटन्स देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारी डिटेलिंग हुई हुई थी। और ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह के बटन लगे हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और इस तरह से इसकी शर्ट है, और ये इसके पास जो है, अब आप
ओके गाइस, तो आप बाजू की डिटेलिंग चेक करें। इस तरह से इसके ऊपर लेस लगी हुई है पूरी बाजू पे, और इस तरह से आगे ये बाजू बने हुए, और इसके आगे ये पॉम पॉम्स लगे हुए हैं पिंक कलर के। कितने बड़े बाजू हैं ये देखिए, मेरा फेस है ये बाजू है। और इसी तरह से बैक से भी इसके बाजू का डिज़ाइन है, तो ये इस तरह की शेप आ गई है बाजू की। बहुत प्यारा ये ड्रेस था, इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी, इसके बाजू का डिज़ाइन बहुत अच्छा था, जिसके वजह से मैंने ड्रेस लिया स्पेशली। और उसके बाद इसके साथ ये स्ट्रेट ट्राउज़र था, और इसके ट्राउज़र पे इस तरह से प्लीट्स डली हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस तरह से प्लीट्स डली हुई हैं इसके ऊपर दोनों साइड्स पे, ये देखें। और प्लेन ट्राउजर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दुपट्टा। ओ माय गॉड, दुपट्टा का जो प्रिंट है वो बहुत प्यारा है, और इसके अंदर एक गोल्डन सी एक शाइन आ रही है दुपट्टे के अंदर, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और इस तरह का दुपट्टा है ये, काफ़ी बड़ा है, लेंथ में भी ये काफ़ी बड़ा है। और इस तरह का इसका प्रिंट है, इस तरह का इसका प्रिंट है, और इसमें बहुत प्यारी गोल्डन शाइन आ रही है, और ये लग के बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने अभी इसको पहना नहीं है, बट वेरी सून मैं इसको पहनूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पिक्चर्स। और उसके अलावा मैं इसकी एक नेट से पिक्चर लेके भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ड्रेस किस तरह का लगता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये छोटा सा मिनी हॉल था मेरा। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड एंजॉय माय वीडियो। इफ़ यू वांट एंड गाइस, इफ़ यू वांट मी टू डू इस तरह के हॉल्स अगेन, तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, अपनी फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। आई विल डेफिनेटली डू मोर हॉल्स, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, ताकि मैं उस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब।